जय हिंद दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन जो हैं एचएसएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर और जो न्यू पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन आधारित हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। ये काफ़ी बार जो है एचएसएससी में आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, और इनको आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं और जो न्यू पैटर्न के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ रखे हैं, और इनके साथ ही जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं डेली के बनते हैं न्यू क्वेश्चन वो भी हमने रखे हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, अमाशय में दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? तो ये रेनिन है। ये क्वेश्चन पहले एचएसएससी में आ चुका है। इसके द्वारा दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन का पाचन होता है और दूध को पचाने में ये मदद करता है। पेप्सिन का क्या काम होता है? इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और जो लैम्पेज होता है, इसके द्वारा वसा का पाचन अमाइलेज होता है। और ये स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट है, हृदय की मांसपेशी में परत को क्या कहते हैं? तो ये पेरिकार्डियम कहा जाता है। चमड़ी किस प्रकार का ऊतक है? तो ये उपकला का ऊतक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल अक्ष और भार के मध्य रहता है। तो वो है तृतीयक श्रेणी। एक एकल बल जिसका कई अलग अलग बसों के समान प्रभाव होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम परिणामी बल कहते हैं। जब तापमान बढ़ता है तो तांबे एल्यूमिनियम जैसे शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध कैसा हो जाता है? तो वो भी बढ़ जाता है। किस सामग्री में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो वो एक अचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च मिश्र धातु का एक उदाहरण बताइए। तो वो है इकोनिल। हीट उपचार प्रक्रिया जिसमें एक सामग्री को एक विशिष्ट अवधि के लिए एक विशेष उस तापमान पर ले जाया जाता है और फिर से सम्मित किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन जो है एचएसएससी में पहले पूछे जा चुके हैं, उसे एनालिंग कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम क्या है? हमने इसमें जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रखे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, ये जो है इसका थीम है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 का थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड है। पहला राष्ट्रीय महिला दिवस फर्स्ट नेशनल वुमेन डे कब मनाया गया था? तो ये 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 28 फरवरी 1909 को मनाया गया था। जो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट है वो कौन है? तो वो शिवांगी सिंह है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर बनी है। नेक्स्ट है, कटारिया स्कल और अपोलो के बारे में सही कथन बताएं। तो वो ग्रीस की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति हैं। ग्रीस उन यूरोपीय संघ के देशों में है जहां राजनीति में वरिष्ठ पदों पर सबसे कम महिलाएं हैं। तो इसका आंसर होगा कि ये दोनों जो हैं ये राइट आंसर है। जो कटारनिया स्कालर पोलो है वो ग्रीस की पहली महिला है जिसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है, और ग्रीस यूरोपीय संघ के देशों में से एक है जिसमें राजनीति में वरिष्ठ पदों पर सबसे कम महिलाएँ हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की थी? तो 1975 में की थी। 8 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाना शुरू किया था। नेक्स्ट है, आज़ादी से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। जो विजय लक्ष्मी पंडित है स्वतंत्र भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेलीविजन श्रृंखला ने गोल्डन ग्लोब्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का पुरस्कार जीता है? तो वो है द क्राउन। द क्राउन ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला यानी ड्रामा बेस्ट टेलीविजन सीरीज ड्रामा का पुरस्कार जीता है। भारतीय किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरी के उद्घाटन में प्रमुख उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये दी है हरियाणा ने। हरियाणा ने क्या किया है? हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य ने इस विधेयक को अपनी सहमति दी है कि निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्रति माह 50,000 रुपये तक के सकल वेतन के साथ 75% आरक्षण प्रदान करेगा। किस फिल्म ने गोल्डन ग्लोबस 2021 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा पुरस्कार यानी बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड जीता है? तो वो है नोमाडलैंड। जो नोमाडलैंड है उसने 78वीं गोल्डन ग्लोबस पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर यानी ड्रामा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए को निर्यात किए जा रहे रेड राइस के बारे में सही कथन चुने। तो रेड राइस में जो लोहे है वो समृद्ध है यानी लोहे की मात्रा जो है काफ़ी है, और विभिन्न प्रकार के असम में ब्रह्मपुत्र जो घाटी है उसमें ये उगाया जाता है बिना किसी भी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के। और दूसरा, इस किस्म को जो है बाओ धान के नाम से जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश के भोजन का एक अभिन्न अंग है।
तो इसका आंसर होगा सिर्फ हमारा एक, जो सेकंड है वो नहीं है, क्योंकि इसमें ये रोंग आंसर है। और जो फर्स्ट है हमारा कि रेड राइस लोहे में समृद्ध है और विभिन्न प्रकार के असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में ये उगाया जाता है और बिना किसी भी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के। तो इसके जो व्याख्या है उसके बारे में अगर हम बात करें तो रेड राइस लोहे में समृद्ध है और विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद का उपयोग किए बिना जो असम की ब्रह्मपुत्र घाटी है वहाँ उगाया जाता है, और निर्यात की गई चावल की जो किस्म है उसको बावदान के नाम से जाना जाता है, जो असमिया भोजन का भी एक विभिन्न अंग है। चाबहार दिवस कब मनाया गया? ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, इनमें से यह देश के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे और पूर्वी विकास मार्ग का प्रवेश द्वार है। तो ये दोनों की ही जो है हमारे आंसर सही हैं। जो चाबहार है वो ओमान सागर के उत्तर दक्षिण में ईरान में एक बंदरगाह है, और ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, और ये देश के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे और पूर्वी विकास मार्ग का एक प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला दिवस किस देश में पहली बार आयोजित किया गया था? तो ये अमेरिका। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क शहर में महिला दिवस का आयोजन किया। तब जर्मन प्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने 1910 के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी महिला सम्मेलन में प्रस्तावित किया कि विशेष महिला दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाए। निम्नलिखित कथनों का उपयोग करते हुए सही जो है पक्षी की पहचान करें। तो देखिए यहाँ पर यह मध्य भारत के जंगलों में पाए जाने वाला एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है। यह महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। तो जो फॉरेस्ट ओलेट है इसका वही सही आंसर है, जो एक फॉरेस्ट ओलेट है यानी ठेठ उल्लू परिवार की एक उच्च लुप्त प्राय प्रजाति है और मध्य भारत के जंगलों में पाए जाने वाला एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी है और यह महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। नेक्स्ट है, जॉर्डन स्कॉर्जर्स के बारे में सही कथन चुने। तो यह एक निशाचर पक्षी है, यह हिमालय की तलहटी में पाया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर ए सही रहेगा, यह एक निशाचर पक्षी है। जो जॉर्डन कॉर्जर भारत का एक निशाचर और खतरे में प्रजाति और रहस्यपूर्ण पक्षी है, जो विशेष रूप से दक्षिणी आंध्र प्रदेश के लिए स्थानिक एंडेमिक है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो ये 1992 में किया गया था। भारत सरकार ने हाथियों और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था। पहले किसान रेल ने कौन सा मार्ग अपनाया था? तो ये देवलाली से दानापुर अपनाया था। 7 अगस्त 2020 को बिहार में देवलाली नासिक महाराष्ट्र से जो दानापुर के बीच पहली किसान रैली है वो चली थी। नेक्स्ट है, पंपा सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो पंपा सागर बांध है वो तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। जो तुंगभद्रा बांध है जिसे पंपा सागर के रूप में जाना जाता है, तुंगभद्रा नदी जो कि कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है उस पर निर्माण किया गया है। मेड इन इंडिया स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में सही कथन बताएं। इस एरिस देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्केट्रोग्राफ एंड कैमरा ADFOSSC नाम दिया गया है और ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो दोनों होगा, यानी कि ये दोनों हमारे सही हैं। इसे एरिस देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा ADFOSSC नाम दिया गया है और ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ARIES नैनीताल द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये 12 सितंबर 2013 को किया गया था। NFSA को 22 दिसंबर 2011 को भारत की संसद में पेश किया गया था, जिसे 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति पद के अध्यादेश के रूप में घोषित किया गया और 12 सितंबर 2013 को कानून बना दिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं, और डेली ऐसे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।